सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जिला उपायुक्त ने पौधारोपित कर श्रमिक वाटिका का किया उद्घाटन। सोनीपत शुगर मिल के प्रांगण में मिल प्रबंधन और पर्यावरण परिवार की मदद से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक वाटिका का उद्घाटन किया गया। जिला उपायुक्त और शुगर मिल के MD सुरेंद्र दून ने वाटिका में पीपल बरगद नीम का पौधा लगाकर वाटिका में अपना सहयोग दिया। मिल परिसर को हरा भरा बनाने के लिए श्रमिक दिवस पर प्रबंधन की तरफ से पौधारोपण अभियान चलाया गया। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के संदेश के साथ साथ श्रमिकों ने अपने हाथों से श्रमिक वाटिका में पौधे रोपित किए। जिला उपायुक्त ने श्रमिकों को बधाई देते हुए पर्यावरण मित्र देवेंद्र सूरा के जन आंदोलन की तारीफ की। उन्होंने जिले में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन पार्क को लेकर टीम को बधाई दी। बता दें कि 1 मई का दिन दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित है। इस दिन को लेबर डे, मई दिवस और मजदूर दिवस भी कहा जाता है। आज मजदूरों की उपलब्धियों को और देश के विकास में उनके योगदान को सलाम करने का दिन है। ये दिन मजदूरों के सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया के कई देशों में छुट्टी होती है। इस मौके पर मजदूर संगठनों से जुड़े लोग रैली और सभाओं का आयोजन करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी बुलंद करते हैं। शनिवार को शुगर मिल सोनीपत में श्रमिक दिवस के आयोजन पर अनूठी पहल की शुरुआत की गई। मिल प्रबंधन और पर्यावरण मित्र परिवार की तरफ से मिल के प्रांगण में श्रमिक वाटिका का शुभारंभ किया गया। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और मिल के MD सुरेंद्र दून ने श्रमिक वाटिका में पौधे रोपित कर वाटिका को श्रमिकों के नाम किया। इस दौरान मिल में कार्यरत अधिकारी और पर्यावरण मित्र परिवार के सदस्य मौजूद रहे। सोनीपत 24 के लिए सुनील चिकारा की रिपोर्ट। आज श्रमिक दिवस है, इससे तमाम बंधुओं को मेरी शुभकामनाएं, उनको बधाई और उनके प्रयासों को नमन, जिनकी वजह से आपका हम सबका जीवन चलता है। और जैसे अभी कोरोना संकट गहरा रहा है, इसमें आज सोनीपत शुगर मिल में भाई देवेंद्र सूरा जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके प्रयासों से उनकी जो जनता नर्सरी है वहाँ से अच्छे खासे बने हुए जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाया जा रहा है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऑक्सीजन का जो थोड़ा सा एक हर एक कदम उसमें हमें थोड़ी सहूलियत देता है, उस दिशा में ये कदम आज इन्होंने उठाया है। और हम मानते हैं, आमजन से भी मैं अपील करता हूँ कि जितने अधिक मात्रा में आप वृक्ष लगाएं, उनको अच्छे से आप उनका पालन पोषण करें, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही इस समय खास जो अपना मास्क पहने, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से बाहर भीड़ में नहीं जाएं, अपने स्वास्थ्य की ज़रूर मॉनिटरिंग करें, जो अपना ऑक्सीजन लेवल उसको सब लोग अच्छे से मॉनिटर करें, अच्छी डाइट लें और ज़रूरत पड़ने पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको आप संपर्क करके अपने स्वास्थ्य का जरूर रक्षण करें, खुद का और अपने परिजनों का।